नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अभिषेक बच्चन ने अपनी कौन कौन सी फिल्मों के लिए जी सिने अवार्ड हासिल किए। दोस्तों अभिषेक बच्चन के अवार्ड से संबंधित मैंने टोटल 6 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर दिए है, जिसमें मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि अभिषेक बच्चन ने कौन कौन सी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड, नेशनल अवार्ड आदि जीते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों उस सीरीज का ये आज अंतिम पार्ट है, पार्ट नंबर 7, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभिषेक बच्चन ने कौन कौन सी फिल्मों के लिए जी सिने अवार्ड्स जीते हैं। तो दोस्तों आपको पहले ये बता दूं कि जी सिने अवार्ड्स के लिए अभिषेक बच्चन को कुल 9 बार नॉमिनेशन मिला है, और जिसमें से दोस्तों 4 बार अभिषेक बच्चन जी सिने अवार्ड जीतने में सफल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन सी फिल्मों के लिए अभिषेक बच्चन को जी सिने अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है। तो दोस्तों जी सिने अवार्ड के लिए अभिषेक बच्चन को पहला नॉमिनेशन उनकी फिल्म रिफ्यूजी के लिए मिला था, बेस्ट मेल डेब्यू के लिए, हालांकि वो ये अवार्ड नहीं जीत पाए थे। दोस्तों इसके बाद में अभिषेक बच्चन को दूसरा नॉमिनेशन 2005 में उनकी फिल्म युवा के लिए मिला था, बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल का, हालांकि दोस्तों ये अवार्ड भी अभिषेक बच्चन जीत नहीं पाए थे। हालांकि ललन सिंह के रोल में युवा में उनका जो अभिनय था वो देखने लायक था, लाजवाब था, जबरदस्त था। दोस्तों इसके बाद में अभिषेक बच्चन को जो अगला नॉमिनेशन बेस्ट एक्टर के लिए मिला था वो था फिल्म गुरु के लिए। दोस्तों गुरु में आप जानते हैं अभिषेक बच्चन की बहुत ही लाजवाब जबरदस्त अदाकारी थी, इसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो नहीं मिला था लेकिन नॉमिनेशन जरूर मिला था। दोस्तों इसके बाद में उनको फिल्म रावण के लिए जो कि 2011 में आई थी उसके लिए भी उनको बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का नॉमिनेशन मिला था, और इसमें भी ये सफल नहीं हो पाए थे अवार्ड जीतने में। हालांकि रावण में अभिषेक बच्चन का अलग अंदाज था, अलग अभिनय था, यूनिक अंदाज था। दोस्तों इसके बाद में अभिषेक बच्चन को 2014 में उनकी फिल्म धूम 3 के लिए फिर से जी सिने अवार्ड के लिए एक बार नॉमिनेशन मिला था, हालांकि इस बार भी अभिषेक बच्चन अवार्ड जीतने में सफल नहीं हो पाए थे। तो दोस्तों ये तो थे अभिषेक बच्चन को जो जी सिने अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला उनके बारे में। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि अभिषेक बच्चन ने कौन से 4 टाइम्स ये अवार्ड जीते हैं। तो दोस्तों अभिषेक बच्चन ने अपना सबसे पहला अवार्ड जीता था 2005 में बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग कैटेगरी, बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल कैटेगरी के लिए, और ये फिल्म थी फिर मिलेंगे। दोस्तों आप जानते हैं इस फिल्म को रेवती ने डायरेक्ट किया था, और इसमें अभिषेक बच्चन एक वकील की भूमिका में थे और उनका अभिनय काफी अच्छा था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल नहीं हुई थी लेकिन अभिषेक बच्चन को उनकी एक्टिंग के लिए ये बेस्ट एक्टर का इन ए सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया था। इस फिल्म में सलमान खान भी उनके साथ थे। दोस्तों इसके बाद में अभिषेक बच्चन को अगले साल भी मतलब लगातार दूसरी बार 2006 में उनकी फिल्म सरकार, जिसे राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था और इसमें अमिताभ बच्चन भी उनके साथ थे, उसमें अपने एक्सीलेंट अभिनय के लिए फिर से बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया था, जी सिने अवार्ड दिया गया था। दोस्तों इसके बाद लगातार तीसरी साल 2007 में उनकी फिल्म आई थी, 2007 में उनको उनकी फिल्म कभी अलविदा ना कहना के लिए बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया था। जी दोस्तों इस फिल्म में भी अभिषेक बच्चन का रोल बहुत ही शानदार था, और इसमें अमिताभ बच्चन तथा शाहरुख खान जैसे कलाकार भी उनके साथ थे। दोस्तों इसके बाद में अभिषेक बच्चन ने 2013 में फिल्म बोल बच्चन के लिए बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल के लिए जी सिने अवार्ड जीता था। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको अभिषेक बच्चन ने अब तक जितने भी अवार्ड जीते उनके बारे में बताया कि अभिषेक बच्चन को 84 टाइम्स नॉमिनेशन मिले, उनमें से 48 टाइम्स वो कई तरह के अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये सब जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों एक चैनल और है जिसका नाम है राजेश कुमार स्पीक्स, कृपया आप उसको भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद, टेक केयर।